Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. बॉलीवुड इंडस्ट्री के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन इस समय सातवें आसमान पर है। हाल ही में ऋतिक की रिलीज फिल्म सुपर 30 ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था। विकास बहल द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 138 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया और हर किसी ने इस फिल्म को देखने के बाद ऋतिक की अदाकारी की जमकर तारीफ भी की। इस फिल्म में ऋतिक ने बिहार के जाने माने मैथमेटिशियन आनंद कुमार का रोल निभाया है। ऋतिक रोशन ने साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म कहो ना प्यार है के जरिए बॉलीवुड में एंट्री मारी थी और ऐसे करते करते इंडस्ट्री में कदम रखे उन्हें 19 साल पूरे हो जाएंगे। कहो ना प्यार है का निर्देशन उनके पिता राकेश रोशन ने किया था और इस फिल्म में ऋतिक के ऑपोजिट अमीषा पटेल नजर आई थी। कुछ महीने पहले ही इस फिल्म के रीमेक के बनने की बात सामने आई थी, लेकिन उसके बाद इस मामले में कोई अपडेट नहीं आई। हाल ही में इस फिल्म के रीमेक के बारे में जब ऋतिक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म का रीमेक आखिर कोई क्यों बनाएगा। जब ऋतिक से पूछा गया कि अगर फिल्म का रीमेक बनता है तो इसमें कलाकार के तौर पर कौन कौन नजर आ सकता है, इस सवाल का जवाब देते हुए ऋतिक ने कहा कि अगर फिल्म बनती है तो मुझे लगता है कि इसमें न्यू कमर्स को ही मौका देना चाहिए। जैसा पहली फिल्म में किया गया वैसे ही रीमेक में भी नए लोगों को कास्ट करना चाहिए। जिस तरह से ऋतिक ने फिल्म कहो ना प्यार है की रीमेक को लेकर अपनी जुबान खोली है, ऐसे में साफ है कि कोई ना कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर उनकी बात जरूर सुनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।